को बहुत लोगों के काम आ सकती है ये चीज। बाकी जो हेल्प आपको चाहिए, जो भी मेरे काम से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आप लोग किसान है, आप लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम शोभित राघव आपका स्वागत करते हैं फिर से इस वीडियो में। और आज हम अभी ये ऑफिस का काम खत्म करने वाले हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था ये। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस और डाले थे इस काम से संबंधित। तो आज 19 नवंबर है, शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और हम अपने घर के कंप्यूटर पर, घर के सिस्टम में ये काम स्टार्ट किया है। तो देखिए आज कैसे इसे फाइनल करते हैं और बॉस को भेज देते हैं। इसके बाद एक काम होगा पेटेंट वाला, वो भी स्टार्ट करेंगे। तमिलनाडु तक तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। डेटा हमें बनाना है ये फार्म हार्वेस्ट प्राइस का, क्रॉप वाइज और ईयर वाइज। तो तमिलनाडु तक हो गया, वेस्ट बंगाल का आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा और बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे आपको क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये काफी लंबी जर्नी है, इस काम को करने में 15 से 20 दिन लगे थे, तो अब जाके ये फाइनली अपने स्वरूप में आ पाया है। देखिए 2003-04 तक का है, 4-5 का डेटा है नहीं, ये हमने इधर किया, इसे ट्रांसपोज कर दिया, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब ये 2-2 साल का डेटा है, इसे ईयर वाइज करना है, तो यहाँ पे हम फिल्टर यूज करेंगे। सबसे पहले ये हमने ईयर पे फिल्टर लगाया, इसको उठाया और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसे यहाँ पे लाके ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। और ये लगभग सेम ही है क्रॉप, यहाँ पे ईयर डालेंगे। ये आज घर से काम कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद और घर से लाइव जा रहा हूँ। लाइव मतलब ये मैं रिकॉर्ड करके आज नॉर्मल वीडियो डालूंगा, तो अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और नए नए सजेशन आते हैं मुझे, तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में कि कैसे हम लोग ये काम को मुकाम तक पहुंचाते हैं। और बाकी तो यही है, बाकी सब ठीक चल रहा है। बाइक की रॉयल एनफील्ड आरी के 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, उसकी सर्विस करानी है, तो सोचा था आज कराऊंगा, बट आज भी ऑफिस जाना था, ड्यू टू सम सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस परमिशन नहीं हुआ, तो आज घर से ही करते हैं, इसे फटाफट करके खत्म करते हैं और फिर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आपने पहले देखा था, ये डेटा हमने डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टडीज DES की वेबसाइट से फेच किया है और बनाया है इसे। अब इसको एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मिला देना है। इसमें क्या चीजें हमें माइंड याद रखनी है माइंड में, कि ये बारले रहे, ग्राम में ग्राम रहे, जूट में, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है पोटैटो में, ऐसे व्हीट में, तो ये यहाँ तक तो सारा ठीक है, लेकिन इससे आगे का ठीक नहीं है। जैसे कि ये 2010-11-12 ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है 2013-14 का पैडी से स्टार्ट है, तो इसे पैडी पहले, पैडी ओ सॉरी जूट से स्टार्ट है, क्यों कर रहा है इसे, जूट पैडी पोटैटो मस्टर्ड और व्हीट, ये सामने आ गया सेम, ये भी इसका ये ग्राम से स्टार्ट है यहाँ पे, तो ये पहले से ग्राम पे ले गए, जूट पैडी हो गया, पोटैटो हो गया, मस्टर्ड हो गया और ये व्हीट हो गया। अब आप देखिए बारले का डेटा इधर है नहीं, ये ग्राम हो गया, ये जूट हो गया, ये पैडी हो गया, तो ये सारे मैच करने हैं, मतलब ये यहाँ से लेके ये बीच वाले और ये पोटैटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। इसको हम ओवरलैप कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से बीच में से गैप हटा देंगे। काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या है। थोड़ा सा स्पेस इस डेटा को ले जाने के लिए लिया और ये हमने यहाँ पर पूरा कॉपी किया, सेम थिंग ट्रांसपोज कर देंगे इसे यहाँ पर। तो ये पहले देख लेते हैं, बारले है, ग्राम है, जूट है, पैडी है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, राइस है, शुगर है, व्हीट है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब इनको हम इनके बीच में से जो अनवांटेड डेटा है वो हटा देंगे, जैसे कि बारले ये, 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 ये। आपको कुछ पूछना है कि ये रो मैं कैसे डिलीट कर रहा हूँ, क्या शॉर्टकट होता है, क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस चीज का जवाब तुरंत आपको दूंगा।
इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं और अब इस डेटा को ऊपर वाले डेटा से मैच करना है। तो ऊपर वाले में बार्ली कहां पर है, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ले जाके ये यहाँ है, ग्राम के सामने ग्राम आ गया। अब ये जूट के सामने जूट जाएगा, जूट यहाँ है, ठीक है। पैडी स्टार्टिंग में, पैडी के बाद पोटैटो। तो इस तरीके का ये अभी कुछ इसमें फाइनल टच देना है और इस काम को करने के बाद अब हम घूमने चलेंगे। तो ये कल का भी पूरा दिन बिजी रहेगा। राइस इसमें दो बार है, पैडी और राइस। तो एक बार देखना है, इधर हो गया पैडी, ये राइस को सबसे लास्ट में रखते हैं। शुगर को ले चलते हैं, शुगर के पास ये शुगर आ गया। और वीट को ले चलते हैं, और वीट के पास ये वीट के नीचे आ गया, ठीक है। अब ये सारा मैच हो चुका है, राइस को सबसे ऊपर लगा के इसको फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमने जो अभी फाइनल किया, इसमें जुआर का डेटा नहीं है, ये हमने वेस्ट बंगाल का एफएचपी का डेटा फाइनल बना लिया है इस तरीके से। ये ओके सेव कर देते हैं, टैब का कलर चेंज कर देते हैं। इस काम को भी करने में काफी टाइम लग गया, काफी दिन में निकला है। अब जो नेक्स्ट है मुझे अगले 10 दिनों में, आज जैसे 19 नवंबर है, 10 दिनों में मुझे डेटा फाइनल करना है आपका ये पेटेंट वाला। बाकी शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ और सारी चीजें कर रहा हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट धीमे धीमे करके आना पड़ेगा। इस डेटा को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इसमें 2006-07 वाले पब्लिकेशन में भी सेम डेटा था और 7-8-9 वाले में भी सेम डेटा था। तो इस डेटा को भी छोड़ देते हैं कंसल्ट करने के लिए बॉस के साथ, और ये डेटा उठा लेते हैं। एक डेटा तो ले सकते हैं ना, 6-7 का एक ले लेते हैं। बस ऐसे ही काम होते रहना चाहिए। आप लोगों से बात करता हूँ और लाइव आके काम करता हूँ तो काम थोड़ा जल्दी होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अकेले करता हूँ तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीच में ये हो गया अपना। यहाँ पर दोबारा से स्पेशल ट्रांसपोज, घर पे काम करने की ये फायदे तो होते हैं, ऑफिस से ज्यादा इफिशियंसी और पोटेंशियल वर्क हम लोग घर पे करते हैं। मतलब घर पे हमारे पास हमें चाय मिल जाता है पीने को और आप लोगों से एकदम खुल के मैं बात कर सकता हूँ। हाँ अभी सीधा ये ऑन एयर जा रहा हूँ अपने स्टूडियो से। ये सारे मैच कर लिए, अगर बनाना है बनाना का रो हो गया, ये चिल्ली का रो हो गया, ये जिंजर का रो हो गया, ये मिर्च, ये पैडी, ये पोटैटो, मस्टर्ड, शुगर, ऑल सेट, ऑल डन। ये इसमें काफी अच्छा मतलब सेट बन जाता है। अब क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, इसको इनसे मैच कर देता हूँ। जिंजर, जिंजर को जिंजर के नीचे मिर्च, पैडी, पोटैटो, मस्टर्ड, शुगर कैन, इन सबको उधर ही ले चलते हैं।
इमेज क्वेरी पोटैटो मस्टर्ड शुगर ये हो गया। देखिए बनाना को ऊपर ले जाके फॉर्मेट को मैच कर देते हैं। That's it. Perfecto. Same. बड़ा ही इजी ये होता है, मतलब ये काम कुछ भी काम नहीं है, जो मेन वर्क है वो इससे आगे शुरू होता है और इस लेवल का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। और देखने में बड़ा इजी लगेगा, लेकिन जब सोर्सेज हमें मालूम नहीं होते हैं, हमें मालूम नहीं होते हैं कि कहाँ से डेटा, वो है एक मेन चैलेंज। ठीक है, तो आप लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ईजी लग रहा होगा कि अरे ये भी क्या काम है, कोई काम है इस तरीके का, ऐसा नहीं है। मतलब इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए कितना इसमें डिस्क्रिपेंसी उस डेटा में। और कंप्यूटर और एक्सेल तो एक ऐसा टॉपिक है, एंडलेस है। मतलब आप कितना भी सीख लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कम ही रहेगा। अगर आपको विदिन द टाइम फ्रेम कोई काम कंप्लीट करना है तो ये स्पीड जरूर होना मांगता है आपकी। अगर इस स्पीड से आप नहीं करेंगे तो आप काम को नहीं खत्म कर पाएंगे। 2008 में 9-10 ये हो गया। स्पेशल ट्रांसपोज ये जो एग्रीकल्चर का जो रिसर्च का जो साइंटिफिक वर्क होता है ना, उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो होती है डेटा। अगर डेटा हमारा सही है और डेटा है हमारे पास, तो फिर हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ रिसर्चर, सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स हमारे ऑब्जेक्टिव, रिसर्च गोल्स, रिसर्च आइडिया, किस पे हमें काम करना है, वो फाइनल होने के बाद फिर हम डेटा सोर्सेज रिफाइन करते हैं। डेटा सोर्सेज के बाद उन जगह से वो डेटा लेते हैं, और डेटा कलेक्शन के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। फिर हम उसे आगे एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो जोरों शोरों से ये काम चलता हुआ अब बात आ चुकी है यहाँ पर। एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, हम लोग एक्सप्लोर भी करते हैं और काफी सारी चीजों को देखते हैं नया। बट एक पार्ट मुझे ये भी अच्छा लगता है कि एजुकेशनल वीडियोस में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। और अभी हमारा तो लर्निंग फेज चल रहा है, तो हमने तो मतलब अभी क्या ही सब्सक्राइबर है और क्या ही वीडियोज हैं, चला देंगे हम ऐसे। चलो ये यहां तक हो गया। और भी जो भी बातें होंगी इस तरीके की, हमें देखिए ये त्रिपुरा तक करना है, अभी मिजोरम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद वाला जो काम है उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मतलब सेकंड पार्ट में डालूंगा, हो सकता है आज शाम को ही डाल दूं ये वीडियो में। आज 19 नवंबर है, शनिवार का दिन है, और
वीडियो डेली डालने से सही रहता है। तो देखिए, इसे फैलाइए वीडियो, काम को, बहुत लोगों के काम आ सकती है ये चीज। बाकी जो हेल्प आपको चाहिए, जो भी मेरे काम से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आप लोग किसान है, आप लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, एक और चीज, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल दूंगा, अभी यूट्यूब से लिंक कर दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, कभी भी वो डायरेक्ट मुझे मैसेज मिलेगा और हमारी बात शुरू हो जाएगी वहां से, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। तो ये देखिए, पहली रो हमने चिली की कर दी पूरी, और ये जिंजर आ रहा है यहाँ पे कॉटन में। चिली, कॉटन, मेज को आगे रखते हैं, ये हो गया जिंजर का पूरा, ये हो गया पूरा मेज का, एकदम दिमाग का काम है, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर चाहिए होता है, इसलिए बातें कम करता हूँ, काम में ज्यादा लगता हूँ, बट आप लोग देख के सीख भी जाएंगे। अब ये सैसे में यहाँ से इस राइस को हम शिफ्ट कर देते हैं, मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है, मेरी स्पीड कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए। शुगर कैन, शुगर कैन, चलो। तो ये अभी हमारे मिल चुके हैं, कहीं कोई गलती नजर आए, कहीं मैं कुछ गलत कर दूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और ऐसे वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मैं आगे और भी जो भी काम करूंगा, अपना एडिटिंग का काम, अपने वीडियोस किस तरीके से बनाता हूँ, उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता हूँ, जिससे कि सभी लोगों को सहायता मिले, हेल्प मिले कि किस तरीके से हम लोग वीडियो एडिट भी करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आप वीडियो देखते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता हम लोगों का, क्रिएटर्स का। आप एटलीस्ट कमेंट एक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप भविष्य में ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन दबाएंगे, तभी नोटिफिकेशन आएगा कि हम कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।